हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कद्दू का रायता। तो चलिए शुरू करते हैं। रायता पकाने के लिए फ्रेंड्स हम एक कद्दू लेंगे जो कि मात्रा में लगभग 1 केजी के आसपास हो। ये हमारी बड़ी कद्दू थी तो हमने आधी रख ली है काट के, और आधी को हमने काट के इसे कुकर में बॉयल होने के लिए चढ़ाया। इसे 4 से 5 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पे, तो हमारा पक के कुछ इसके अंदर तैयार होगा। फिर हम इसे एक बॉल में निकालेंगे और अब हम मसाला लेंगे। 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुनी हुई जीरा और 2 चम्मच जलजीरा लेंगे, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 3-4 हरी मिर्च। उसके बाद फिर हम पीसी हुई सरसों लेंगे दोस्तों, ये भी 2 बड़े चम्मच। दही लेंगे, ये मात्रा हम लगभग 700 ग्राम के आसपास है। आप इसमें चाहें तो जलजीरा की जगह आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लवण वाष को चून कर प्रयोग कर सकते हैं। और अब बारी बारी से सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। और जो रायता का जो सबसे सीक्रेट है वो है सरसों का तेल, तो इसे हम डालेंगे और डाल के अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो हो गया ना हमारा रायता बनके तैयार दोस्तों। तो आप भी घर बैठे इस कद्दू रायते को बनाएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें,
जय हिंद, जय भारत।